नमस्कार, आप देख रहे हैं फिल्मी बीट और मैं हूं आपके साथ रेनु माथुर। बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर का डॉग से प्यार किसी से छिपा नहीं है। रणबीर कपूर अक्सर अपने पेट डॉग्स के साथ अपनी वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते रहते हैं। रणबीर कपूर की अपने डॉग्स के साथ बॉन्डिंग जग जाहिर है। जी हाँ, रणबीर कपूर अपने डॉग्स को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। उनके पास दो डॉग्स हैं जिन्हें वो अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करते हैं। लेकिन इस बीच खबरें आ रही हैं कि उनके ही पालतू डॉगी ने उन पर हमला कर दिया है। जी हाँ, रिपोर्ट्स के मुताबिक रणबीर कपूर के डॉगी ने उन पर अटैक कर दिया है, जिससे उनके चेहरे पर भी काफ़ी घाव आ गए हैं। बताया जा रहा है कि चेहरे पर बने ये घाव मामूली नहीं है। इसी वजह से जल्दी में रणबीर कपूर को हॉस्पिटल जाकर अपना ट्रीटमेंट लेना पड़ा। वहीं चेहरे पर अटैक करने की वजह से एक्टर कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे और उन्होंने हॉस्पिटल में डॉक्टर की सलाह ली। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चेहरे पर घाव की वजह से रणबीर कपूर को हॉस्पिटल जाकर अपना इलाज करवाना पड़ा। आपको बता दें कि इससे पहले आलिया भट्ट को रणबीर कपूर के पेट डॉगी लियोनेल के साथ मस्ती करते हुए देखा गया था। आलिया और रणबीर को पेट डॉग बहुत ज़्यादा पसंद है, ये तो सोशल मीडिया पर सामने आई तस्वीरों से साफ दिखाई देता है। जी हाँ, रणबीर कपूर और आलिया भट्ट अक्सर अपने पेट्स के साथ अपनी वीडियोज़ और फोटोज़ सोशल मीडिया पर शेयर करते रहते हैं, लेकिन इस बार उनके पालतू डॉगी ने ही उन पर कर दिया है हमला। बात करें रणबीर कपूर के वर्क फ्रंट की, तो आखिरी बार वो संजय दत्त की बायोपिक संजू में नजर आए थे और अब वो अयान मुखर्जी की फिल्म ब्रह्मास्त्र में आलिया भट्ट और अमिताभ बच्चन के साथ नजर आने वाले हैं। बॉलीवुड से जुड़ी बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए फिल्मी बीट।